अरे वो चौपट्टी से कल की तुम ना मेरे को ना हाथ बदले हो, समझ गए ना। हेलो दोस्तों, मैं खान। दोस्तों आज मेरे साथ है राहुल भाई। राहुल भाई अपने ही जगह से है, मतलब यूपी से, और आप जानते हो यार बिहार और यूपी का रिश्ता जो भाई भाई वाला रहता है। तो भाई जनाब आए हैं अपनी गर्लफ्रेंड बोलूँ या फिर फ्योन से, मंगेतर बोलूँ, क्योंकि 3-4 साल पहले इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है आपकी। और ये जनाब आए हैं अपने मंगेतर पे लॉयल्टी टेस्ट करवाने के लिए। तो क्या ऐसा बात आ गया है भाई कि जो आप चाह रहे हो कि नहीं आपकी जो बंदी है, मतलब फ्योन से है, गर्लफ्रेंड है, लॉयल नहीं है आपके प्रति? और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी पूरी हेल्प करूँ अपने अंदाज में। तो आप ये बताइए पहले। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई कि आप मेरे लिए वीडियो बना रहे हो। और संगीत जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं यूपी से हूँ, तो अभी 7-8 दिन पहले इधर मैं आया रहने को। तो अब यहाँ आने के बाद जैसे जो मेरी मंगेतर है उसके साथ जो मेरा पहले वाला रहन सहन था, अब उस अकॉर्डिंग उसका रहन सहन अलग हो रहा है। कि जैसे मान लो कि बात बात पे उसकी मतलब डिमांड बढ़ना, पहले समझती थी लेकिन अब उसका समझना अलग। जैसे कि मान लो कि उसकी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो उसने मेरे को बोला कि मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर मैं बोलता था अभी मेरे से नहीं हो पाएगा तो वो समझती थी उस चीज़ को, लेकिन अब वो उसी चीज़ को टोन बना के मेरे को मारती है कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम्हारे साथ तो मैं मतलब इंगेजमेंट करके पछता रही हूँ, ऐसा वैसा करके। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे हेल्प मांगनी जरूरी समझी कि अब मैं उसका थोड़ा सा एक बार लॉयल्टी टेस्ट लूँ, शायद मैं गलत हूँ या मेरे देखने का तरीका गलत हुआ या फिर मैं सही हूँ। मैं मनाऊँगा यही कि मेरा सोचना गलत हो, वो सही हो। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं और अपने अंदाज में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे आने वाली है फिर उनसे? हाँ आने वाली है वैसे। ठीक है, तो उसे रखिए अपने साथ, बुलाइए और सारी चीज़ अपने अकॉर्डिंग कीजिए। बीच में मैं आऊँगा और सारी चीज़, जैसे मैंने बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वो करूँगा। ठीक है, और मैं अपने अंदाज में इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं कि इन बंदी लॉयल है नहीं लॉयल है, सारा चीज़ आपके सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो देखते हैं फिर। ठीक है, आने दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं सारा चीज़। मंगेतर हो, मिलने का मन होगा तो बुला नहीं सकता? तुम्हें पता नहीं है क्या मेरे पीजी वगैरह का सीन हो, तुम मुझे इतनी धूप इतने गर्मी में बुला लिया इधर। चलाओ पसीने बोल देता हूँ। अरे क्या कर रहे हो, ये क्या, ये गमछा वगैरह ये सब छोड़ के आते ना उधर। मैं अब से थोड़ी लेके चल रहा हूँ ये। अरे तो मेरे को तो देखो और खुद को देखो यार, ये हरकतें मत करा करो, आया मत करो। पता नहीं आया, मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें कहा कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम आओ। किस तरीके से बात कर रहे हो, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं ना, मैंने तुम्हें कहा कि मेरे को मिलने का मन, मतलब मैंने मेरा मिलने का मन है तो उसका कोई मतलब नहीं। अरे तुम्हारे मन के हिसाब से थोड़ी चलेगा यहाँ पे यार। क्यों नहीं चलेगा? क्यों चलेगा, खुद को देखो यार, मेरे को देखो, तुम्हें डिफरेंस नहीं दिख रहे क्या? एक्सक्यूज मी भाई, हेलो। हाँ भाई, सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक है। तो ये क्या, क्या बोल रहे थे? उधर जाके खेल लो, जो भी खेल रहे, गुल्ली डंडा, इतने बड़े हो गए तुम। नहीं यार खेल नहीं रहे हैं, दरअसल सच बताया तो मैं आप लोगों का झगड़ा ही देख रहा हूँ। शो चल रहा है क्या, कोई झगड़ा देख रहे हो? नहीं, बहुत देर से झगड़ रहे थे भाई जी। दानिश, सलमान खान। हेलो, नाम क्या हुआ? कैटरीना कैफ। यही मजाक कर रहे हो ना आप? मस्त जोड़ी। नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, हम बस देख रहे थे बस। आपको क्या काम है, आप अपना बताइए। मेरा कुछ काम नहीं है खास, बस इतना मैं बता दूँ कि बात कर सकते हो 2-3 मिनट आप लोग, फ्री हो आप लोग? फ्री तो नहीं है बट 2-3 मिनट बाद जा सकते हो, तो इस बात की गारंटी दो, फिर बैठ के कर लो। हाँ जा सकते पक्का, सेट बैठो। बात यहाँ पे है कि मैं एक गेम वेम खेलते रहता हूँ। अभी बिल्कुल मन नहीं है, देख तो लो पहले है क्या, उसमें हो सकता है शायद आपका फायदा हो, उनका फायदा हो। बताओ हाँ, जानते हो तुम? अरे उनकी बात तो सुन लो यार, वो क्या कह रहे हैं। जानती हो, कोई आया है बात करने के लिए, कौन क्या कर रहे हो, क्या बदतमीजी है, रुक जाओ, बताओ आप। अब मैं ना एक गेम खेल रहा हूँ, मैं अक्सर वो गेम वेम खेलते रहता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे गेम खेलना। दरअसल अगर इंटरेस्ट हो तो मैं बताऊँगा, वरना फिर आप लोग कंटिन्यू करो। मुझे तो बिल्कुल नहीं। अरे आप बताओ, मैं सुन रही हूँ। मैं बताऊँ? बताओ, देखो मत मुझे। एक छोटा सा गेम है, ठीक है, मेरा नाम दानिश है और गेम का जो रूल है कि जो जीता वही सिकंदर, अच्छा। जो हारा वो बंदर, ये गेम है मेरा, ठीक है। गेम क्या है? गेम यहाँ पे ये है कि मैं कुछ टास्क दूंगा आप लोगों को, आपको फिर इनको और उस टास्क के बदले आपको कुछ पैसे मिलेंगे, एकदम लाइव हैंड टू हैंड मिलेंगे पैसे। अच्छा। हाँ क्या तो इंटरेस्टेड हो तो बताऊँ? बताओ गेम क्या है आपकी, बताओ। गेम यहाँ पे यही है कि स्टार्ट करें,
देख लो अभी मेरे पास 500,000 रुपये के आसपास है। ये मेरा अकाउंट है, एटीएम कार्ड है, ये पहले देखो। और ये एटीएम कार्ड में मेरे कुछ बैलेंस है, मैं आपको दिखा दूँ पहले। अरे ठीक है मान गए। मैं पूरा चीज़ समझा रहा हूँ, मैं पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तुमसे बात करने आया था, गेम खेलने आया था मैं। अरे तो रुक तो जाओ यार, देख तो लो वो क्या कह रहे हैं, बिल्कुल हद कर रहे हैं। अब नहीं हो रही धूप तो तुम्हें मैंने बोला था ना। एक मिनट भैया, आप ये देख लो, ये 4 लाख समथिंग मेरे अकाउंट में पैसे हैं, तुम भी देख लो। ठीक है, अभी क्या है ना, ये पहले कैश लेकर घूमता था, मगर अब क्या है कि ऑनलाइन का जमाना आ चुका है, तो ऑनलाइन पूरा गेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बात यहाँ पे है, एक टास्क मिलेगी आपको, और वो टास्क नहीं, ये अभी आप रखो, आप रखो, ये एटीएम मैं आपको दे दूंगा, जो पैसे हैं इसमें आप लोग रख सकते हो। यहाँ पे बात क्या है, एक टास्क दूंगा, उसके अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, जीत जाते हो, तो उसके बदले मैं आपको अकाउंट में एट अ टाइम 50,000 रुपये मैं इधर डाल दूंगा। अच्छा जी, एट अ टाइम मैं डाल दूंगा, अगर विश्वास नहीं है तो ये एटीएम रख लो, मेरे को पकड़ के जेल में डाल देना। स्टार्ट करें, पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, मेरे से पक्का इससे कर लो पहले। मैं आप ही से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपको? करो बताइए क्या टास्क। टास्क ये है, एक छोटा सा गेम है, और इससे अगर आप कंप्लीट कर लेते हो ना, अभी के अभी 50,000 रुपये आपके अकाउंट में। करना क्या है आपको? इनसे ब्रेकअप करना है। पागल पागल हो गया क्या भाई? पागल, एक काम करिए, पकड़ एटीएम और जाए यहाँ से ले। अरे रुक तो जाओ, जा। अरे रुक जाओ तुम, पागल पागल हो गए तुम, रुको आप। भाई क्या, भाई क्या नाम हुआ तुम्हारा? राहुल। राहुल, 5 मिनट के, 2 से 3 मिनट का काम है, इनसे ब्रेकअप करना है। नहीं करना ना, इनका जो भी रिश्ता है आप लोगों का, रिश्ता अगर तोड़ देते हो तो 50,000 रुपये अभी आपको मैं दे दूंगा, एट अ टाइम में दूंगा। भाई बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, बहुत इज्जत से बोल रहा हूँ, चले जा। अरे यार तुम क्यों इतना कर रहे हो, रुक तो जाओ, सारा चीज सही है, क्या हो गया? शांत हो जाओ। क्यों आऊं शांत? तुमसे पूछ के शांत होंगी क्या मैं? यही करवाने आए थे। नहीं कर सकते हो? नहीं, अब आपकी बारी, देखते हैं। हाँ जी, तो आप ये लीजिए। क्या गेम, क्या खेलना है मुझे, क्या करना है? जो भी गेम खेलना, थोड़ा सोच समझ के। हाँ तो सोच समझ के ही खेल रहे हैं, या पहले रख लो। गेम यही है, सिंपल है, आपको इनको छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, क्या करूँ, होगा क्या अगर मैंने छोड़ दूँगा? आपको इनसे ब्रेकअप करना है, जैसे कि आप लोग मंगेतर हो ना, एक दूसरे को ब्रेकअप करना है। क्यों करूँ पर? उसके बदले मैं आपको 50,000 रुपये दूँगा। मैं नहीं कर रही 50,000 रुपये। क्या मुझे नहीं करना 50,000 रुपये? 50 के लिए नहीं करना है, एटीएम तो अभी आपके हाथ में है, 60 के लिए कर लो फिर। 70 के लिए कर लो। 70-80 रख लो। कुछ चाहता है अब? अरे तुम रुक जाओ ना, शांत बैठ जा, रुक जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। कितने के लिए करना है? 70-80 के लिए कर सकते हो? पगला वगला रही हो क्या? अरे क्या है मतलब इस हद तक गिर गए तुम पैसों के लिए? अरे यार देखो मुझे ना भाई, 70-80 के लिए कर सकते हो? भाई पागल पागल हो रहे क्या तू? एक काम करो, ठीक है एटीएम रख लो, मैं अभी पैसा भेज रहा हूँ, देखो क्या। अरे यार क्या? देखो हमारी बंदी है ना। सुनो क्या, हाँ तो एक मिनट रुकना तू भाई, बात करने दे अभी से, एक मिनट रुक, रुक रुक रुक, बैठ 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 बैठ। देखो मुझे तुमसे ब्रेकअप करना ही था, पैसे और अब तो चांस भी है, मेरे को पैसे मिल जाएंगे और मेरा तुमसे वीजा छूट जाएगा। किस हद तक गिर रही है क्या? अरे यार मुझे तुम्हारे साथ रहना, पैसे खाएं क्या यहाँ पे रह के जब से? भेजे ना, अकाउंट है, फोन पे, पेटीएम क्या आपके पास? फोन पे है ना। सीरियसली पागल पागल हो गई क्या तू? मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ? मेरे पास अच्छा खासा चांस है, मुझे पैसे मिल जाएंगे। कितने दिन तक चला लेगी इनको? जितने भी दिन चलेंगे। कितने दिन चला लेगी? जितने भी दिन। अरे यार चला लेगी, मेरे को तुमसे प्यार वैसे भी नहीं है अब तो। 4-5 साल से कैसे ऐसी करवा रही थी एंगेजमेंट? पहले था, अब नहीं है ना। एक मिनट, अबे वो भाई भाई बहुत देर हो गई, शांत बैठ जा। रुको तुम, एक मिनट यार, अब फोन पे बोलना। 8 7 4 6 4 6 2 3 2 3। अरे वो चौपट्टी से कल की, तुम ना मेरे को ना हाथ मत लगाओ, समझ गए ना? एक और दो और बचा हुआ है। अब तू पागल पागल हो गया, 2 मिनट बात करने दे ना, तेरे को बात करनी थी, गलत कर दी क्या मैंने? अरे तुम रुक जाओ ना। क्या रुक जाऊं? मारी मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो यहां समझ नहीं आ रहा तुम्हें? हां 4-5 साल से मुझे हाथ कैसे लगाया? हाथ कैसे लगाया? कैसे लगाया? किस मुंह से नंबर बता रही है उसको? मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं।
70,000 बड़े हो गए तेरे लिए? हो गए, हाँ हो गए। मुझे तुमसे प्यार भी नहीं है, तुम चूतिया हो क्या? तुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुझे क्या कहना चाह रही हूँ। क्या कहना चाह रही, बोल हिंदी में। मुझे तेरे साथ नहीं रहना। किसके साथ रहना? गांधी के साथ रहेगी। जिस मर्जी के साथ हो, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। मुझे तेरे से प्यार भी नहीं है। किससे प्यार है? नोटों से प्यार हो गया? हाँ हो गया है? मुझे यहाँ पे रहना है। तूने दिल वहाँ से आगे, गाँव से आगे यहाँ पे? अरे यार मेरे को अपने लाइफ स्टाइल भी तो देख रहे, तुम्हें तो देखो तुम्हारी हालत। ये छोटे कपड़े पहन के तू अपनी लाइफ स्टाइल बोलेगी इनको? हाँ यहाँ पे यही चलता है, ऐसे ये सब नहीं चलता है। अच्छा यहाँ कोई नहीं घूमता। नंगा घूमो तो वो ठीक है, और कपड़े छोटे पहनो फैशन। मेरी बेइज्जती और करा रहे हो तुम अपने साथ साथ। मेरा काम हो चुका है, थैंक यू सो मच। मेरा काम बस इतना ही था, इससे बस यही कबूल करवाना था। और मैडम एक और बात मैं आपको बता दूँ, भाई ने तुम पे लॉयल्टी टेस्ट किया है। क्या ड्रामा कर रहे हो तुम? ये हिंदी समझ में नहीं आती तेरे को? कौन सा लॉयल्टी टेस्ट? हेलो मैं तो तू है नहीं वहाँ पे, कैमरा लगा हुआ है। ये ना कैमरा बंद कराओ, कैमरा बंद कराओ। मैं तो शादी में सोची थी, मेरे को क्या पता था कि मेरे को ये जरूरत पड़ेगी। ये सब ड्रामे करके क्या दिखाया तुमने? तूने क्या दिखाया? 70,000 में फटे से हाथ बढ़ा के? 70,000 में तूने एकदम मतलब ईमानदार बिल्कुल भी नहीं दिया। इसकी ना औकात नहीं। वाह चल निकलो। क्या बकवास थी ये? राहुल भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, इससे तुम निकालो या फिर मैं निकालूं। 70,000 तुमने दिया, तुम निकालो, निकाल दो जा। हाँ ये है क्या? ये चल निकल। ये क्या है? ये क्या है? ये तुम निकल। क्या ड्रामा कर रहे हो तुमने? ये हम ड्रामा कर रहे हैं क्या? ये दिल के मतलब बल नहीं क्या? क्या है क्या ये? तू उधर चली जा, और बेइज्जती क्यों करा रही? जा चली जा इधर से, जा इतनी बहुत है तेरी। जा 70,000 में तूने जी ली जिंदगी, जा निकल वरना मैं चाटा उटा खींच दूंगा यहाँ से। अब कैसा इंसान है? देख लिए राहुल भाई, जो चीज़ आपके सामने है। और दोस्तों क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब चीज़ आपके सामने अब रिकॉर्ड हो चुका है। तो क्या बोलते हैं, ये मैं वीडियो डालूँ या फिर ना डालूँ? अरे बिल्कुल डालो, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी तरह किसी और के साथ भी ऐसा हो। और लोग तो थोड़ा सतर्क रहेंगे इस चीज़ से, कैसे कुछ नागिनों की वजह से कुछ लड़के बदनाम। बेचारा शरीफ बंदा, एक बंदा प्यार करता था, सारा चीज़ इसके सामने है और ऊपर से ऐसा कुछ हो गया। खैर दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मैं वो भी बता दीजिएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों को पहुंचा दे दोस्तों तक। बस यार।